एशिया कप के लिए जब से भारतीय टीम का ऐलान हुआ है तब से एक नाम सबके मन में है कि शिखर धवन को भारतीय टीम में जगह क्यों नहीं दी गई। चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो, बार बार ये बात कहते हैं कि टीम इंडिया को एक अच्छे लेफ्ट हैंडर की तलाश है, लेकिन फिर क्यों एक अनुभवी खिलाड़ी को टीम इंडिया से बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। शिखर धवन को दिसंबर 2022 के बाद से टीम इंडिया से लगातार बाहर रखा गया है। इसका कारण क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वनडे क्रिकेट में 167 मैचों में 44 की औसत से 6793 रन, 17 शतक और 39 अर्धशतक, और तो और खास तौर पर आईसीसी टूर्नामेंट में भी शानदार रिकॉर्ड। फिर भी शिखर धवन टीम इंडिया से आज बाहर है। क्रिकेट में कहते हैं हर खिलाड़ी का एक दौर होता है, उस दौर के बाद आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो आपको टीम से बाहर ही होना पड़ता है। ऐसे कुछ हुआ शिखर धवन के साथ। ये बात शुरू होती है दिसंबर 2022 में जब भारत का दौरा होता है बांग्लादेश का। 3 वनडे मैचों की वो सीरीज थी, वहां पर शिखर धवन को तीनों ही मैचों में मौका दिया गया, लेकिन शिखर धवन का बल्ला उनसे रूठ गया। तीनों मैचों में शिखर धवन बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ये सीरीज शिखर धवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके पहले तक टीम इंडिया के रेगुलर मेंबर शिखर धवन इसके बाद टीम इंडिया से बाहर हो गए। इस सीरीज के बाद जनवरी 2023 में खेली गई श्रीलंका की सीरीज, उसमें शिखर धवन की जगह आए शुभमन गिल। उन्होंने उन तीनों मैचों को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया और टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश की वनडे सीरीज में शिखर धवन तीनों मैचों में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 9 की बांग्लादेश की टीम से 2-1 से सीरीज हार गया। इस सीरीज में धवन के बल्ले की नाकामयाबी और भारत की हार ने धवन के लिए टीम इंडिया से बाहर होने के रास्ते की स्क्रिप्ट लिख दी। शिखर धवन के लिए सीरीज का तीसरा वनडे मैच निर्णायक था। पहले 2 वनडे मैच में धवन का स्कोर था 7 और 8। फिर 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के स्टेडियम में जब धवन खेलने उतरे तो 2 मैचों की नाकामयाबी उनके साथ थी, लेकिन शिखर धवन के बल्ले ने इस बार भी उनका साथ नहीं दिया। पहले 2 मैचों में 7 और 8 रन बनाने वाले शिखर धवन तीसरे मैच में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद से शिखर धवन के लिए टीम इंडिया के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, उसमें भी उनको जगह नहीं दी गई। उसके बाद टीम इंडिया के लिए WTC हुआ, टेस्ट मैचों से वो पहले बाहर है, वहां भी जगह नहीं दी गई। वेस्टइंडीज में उम्मीद की गई थी, वहां भी उनको जगह नहीं मिली। पर अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, वहां भी शिखर धवन को टीम इंडिया से बाहर रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात अहम हुई जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वनडे वर्ल्ड कप के लिए जो एशिया कप की टीम है यही होने वाली है। इस पर जो जवाब दिया गया वो कुछ ऐसा था। शिखर बीन अ टेरिफिक प्लेयर फॉर इंडिया, वी नो हिज रिकॉर्ड, वी नो व्हाट हीज डन। आई थिंक सिंस डिसम्बर आई डोंट थिंक हीज बीन या वाज हिज लास्ट थिंग। सो लुक, हीज बीन अ टेरिफिक प्लेयर। एट द मोमेंट देयर आर 3 गाइस हु आर डूइंग रियली वेल। सो यू कैन ओनली फिट 15 इन अ टीम, सो अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स समबडी हैज टू मिस आउट। सो बहरहाल, इस जवाब को सुनकर ये तो साबित होता है कि शिखर धवन के लिए अब टीम इंडिया के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं।